नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आज आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एकादशी के दिन यानी कि अधिक मास की पद्मनी एकादशी के दिन हम ऐसा विशेष उपाय क्या करें कि जो हमारे जीवन में मुसीबतें आ रही हैं या हमें नौकरी में रुकावटें आ रही हैं या हमारे कारोबार में कोई रुकावट आ रही है, तो हम उनसे छुटकारा कैसे पा सकते हैं या उन मुसीबतों को कैसे दूर कर सकते हैं। तो हैं तो ये छोटे छोटे उपाय, लेकिन इनके करने से काफ़ी फ़ायदा होता है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि होना तो वही होता है जो ठाकुर जी की इच्छा होती है। लेकिन जैसी एनर्जी हम फेंकते हैं इस प्रकृति में, वैसी एनर्जी ही वापस हमारे पास लौट कर आ जाती है। तो जैसे हम ये उपाय करेंगे तो हमारे दिमाग में एक ये रहेगा कि नहीं, हमने ये उपाय किया है तो हमारा काम तो होगा ही होगा, हमारा काम तो होगा ही होगा। तो हमारे दिमाग में ये चीज़ लगातार चलती रहेगी। तो हमने प्रकृति में एक पॉजिटिव सोच फेंकी तो पलट कर हमें पॉजिटिव सोच ही मिलेगी। तो जो भी उपाय करें, एक दृढ़ निश्चय के साथ करें, अपनी श्रद्धा के साथ करें। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए पहला उपाय आपको बताती हूँ कि पद्मिनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु के सामने 9 मुखी दिया जलाएं। तो आप वो आटे का भी बना सकते हैं, अगर आपको मार्केट से मिट्टी का मिल जाता है तो वो भी जला सकते हैं। दिया आपको देसी घी का ही जलाना है, तो आप आटे का ही बना लें। तो क्योंकि 9 मुखी दिया मुझे नहीं लगता मार्केट में मिलता होगा, तो आटे से 9 मुखी दिया बनाएं और उसको देसी घी से भरें। उसके बाद आप उस दिए को जला दें। तो अगर 9 मुखी दिया है तो उसके अंदर 9 बाती ही लगाई जाएगी। फिर उसके साथ ही आपको एक अखंड ज्योत जलानी है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आप अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। तो जैसे ही आप सुबह पूजा करेंगे, एक अखंड ज्योत जलाएंगे और एक आपको 9 मुखी दिया भगवान श्री विष्णु के आगे देसी घी का जलाना है। तो ये दिया जलाने से आपके जैसे कोई नौकरी से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई रुकावट आ रही है, तो वो आपकी जो रुकावट है वो दूर हो जाएगी और आपको जो मन चाही नौकरी है वो भी मिलेगी। आप जब दिया जलाएंगे तो अपने भगवान श्री हरि के आगे अपनी मन चाही नौकरी पाने के लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। तो चलिए दूसरा उपाय बताती हूँ, वो है पद्मिनी एकादशी के दिन ही सुबह जब आप पूजा करेंगे, देसी घी का दिया तो जलेगा ही जलेगा, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के आगे आपको सौंफ अर्पित करनी है। जब आप सौंफ अर्पित करेंगे तो आपका जो व्यवसाय संबंधी है या कारोबार संबंधी है, आपकी जो भी मुसीबत आ रही है, जो भी रुकावटें आ रही है, वो भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी के आगे आप अपनी जो परेशानी है वो रखें, तो देखेंगे कि जो आपकी परेशानी है वो दूर हो जाएंगी। तो चलिए अब तीसरा उपाय बताती हूँ कि मान लो कि आपका कहीं कोई धन फंसा हुआ है या कोई आपका पैसा फंसा हुआ है, कोई आपका पैसा देने में आनाकानी कर रहा है, तो आपको क्या करना है। तो पद्मिनी एकादशी के दिन ही आपको सुबह पूजा करते वक्त देसी घी का दिया जलाना है। उसके बाद आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके गीता का 11वें अध्याय का पाठ करना है। तो आपको जो धन संबंधी समस्या है वो दूर हो जाएगी, या आपका कहीं धन फंसा हुआ है तो आपको मिल जाएगा। तो अब चौथा और आखिरी उपाय बताती हूँ, वैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था लेकिन फिर से बता देती हूँ कि आपको पद्मिनी एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी जी में दिया जलाना है और दिया देसी घी का ही जलाना है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी की 11 बार परिक्रमा करनी है। तो इससे आपको जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी, आपके घर में सुख शांति संपन्नता और समृद्धि बनी रहेगी। तो ये मैंने आपको बताए 4 उपाय, आप 4 इनमें से कोई भी एक उपाय कर सकते हैं। जो आपकी समस्या है उससे संबंधित कोई भी आपका जो उपाय मैंने बताया है उसी हिसाब से आप उपाय कर सकते हैं, तो आपको जो फ़र्क है ज़रूर नज़र आएगा। और लेकिन फिर कहती हूँ कि आप अपनी जो सोच है वो पॉजिटिव रखें। तो
उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये विशेष वीडियो, विशेष उपाय वाली वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।